the best pizza so far. Thank you so much, Mausi. God bless you. और especially जो एक ऊपर से ना एक और भी था topping कुछ जो कि generally वो डालते हैं. हाँ वो green sauce वो mint वाला था. Hey guys, welcome back to my new vlog. तो कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप लोग अच्छे होंगे. एंड आज एक बात आपको बतानी है कि मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आ चुकी है. तो आज मैं ATM जाऊंगा एंड देन उसको निकाल के लाऊंगा एंड बताऊंगा आपको कि कितनी इनकम आई है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई आपकी कितनी इनकम आ रही है भी कि नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि आपका यूट्यूब चल रहा है, एड्स वगैरह आ रहे हैं उस पर. तो मेरी अभी रिसेंटली में मतलब कि आया है उसका, क्योंकि मेरा अभी जो मोनेटाइज हुआ था वो पिछले मंथ आई थिंक हुआ था. हाँ, तो उसके बाद ही ये फर्स्ट इनकम आई है मेरी. तो देन फिर आपको बताता हूँ. अभी नहा होकर रेडी होकर आया हूँ, पूजा कराई मैंने एंड देन फिर अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ, देन फिर आपको बताता हूँ. और आज मम्मी को भी जाना है एक आंटी घर, तो मम्मी को ड्रॉप करना है वहाँ पे. देन उसके बाद फिर आज मौसी भी आने वाली है मेरी, तो मिलवाता हूँ फिर आपको. चलो फिर आराम से बात करते हैं. तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ. ये चने की सब्जी है, आपको याद होगा जब हम कंजका वगैरह खिलाते हैं तो उसमें बनती है ये सब्जी है. एंड ये रोटी है आपकी, तो चलो खाता हूँ देन फिर आपसे बात करता हूँ. मैंने स्कूटी को पूरा नहला दिया बढ़िया तरीके से, क्योंकि मुझे मम्मी को ड्रॉप करना है. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देन निकलते हैं फिर. मैं आया हूँ और अभी तो मैंने ऑर्डर दिया है फिलहाल, तो आ तो मैं थोड़ी देर पहले गया था, लेकिन मार्केट में जैसे ही था ATM भी गया था, तो सोचा कि यार पैसे निकाल लूँगा. बट जैसे ही पैसे निकालने के लिए मैं ATM में जाने ही वाला था, उतने में इतने में एक ऑर्डर आ गया, तो फटाफट से भाग के आया हूँ. तो पैसे तो अभी निकाल नहीं पाया, तो शाम को जाऊँगा, तो तब तक मम्मी भी आ जाएंगी, देन उसके बाद फिर मैं जाऊँगा आराम से. तो चलो जरा साफ सफाई कर ली जाए, देन फिर आपसे बात करता हूँ. तो गाइस मैंने अभी एक ऑर्डर दिया था, और काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम YouTube पे भी कैसे करें. तो काफ़ी लोग मुझसे मतलब मेरे साथ शेयर भी करते हैं लिंक वगैरह YouTube की. तो आप लोग क्या करो ना, कि आप लोग सबसे पहले अपना जो कॉन्टेंट है उसमें क्वालिटी दो. मैंने काफ़ी सारे लोगों का देखा चैनल, बट उसमें क्वालिटी नहीं आ रहा है. जो क्वालिटी आता है ना, मतलब कि क्लैरिटी आती है देख के, भाई मज़ा आता है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ क्या कर रहे हैं, सॉन्ग को डाल दे रहे हैं और वीडियो चल रही है और सॉन्ग चल रहा है, तो उसे रिटेंशन नहीं बनता है, मतलब लोग देखते नहीं है, इंगेजिंग कॉन्टेंट नहीं बनता है. तो आप क्या करो, आप थोड़ा सा उसमें वॉइस ओवर करो, अपनी आवाज़ भी उसके अंदर डालो. तो उससे क्या होगा, आपके कॉन्टेंट को और लोग देखेंगे. अपनी जर्नी बताओ, अपना स्ट्रगल बताओ लोगों को, बताओ कि भाई मैं क्या करता हूँ पूरे दिन में, मेरे पास ये ऑर्डर आया है, ये आया है, जो भी है वो चीज़ आप शेयर करो लोगों के साथ. तो लोग उसको इंगेज करते हैं, फिर इंगेजमेंट बढ़ता है. लोग क्या करते हैं कि लोग उसको फिर देखते हैं वीडियोस को, तो आपके व्यूज़ वगैरह फिर बढ़ने लग जाएंगे. तो थोड़ा क्वालिटी रखो, मोबाइल नहीं है अच्छा, बट कोशिश करो कि थोड़ा सा मतलब कि मैं क्वालिटी कॉन्टेंट दे पाऊँ. क्योंकि मैंने काफ़ी और भी लोगों की वीडियोस वगैरह देखे, तो मैंने देखा कि यार मतलब कि उतनी कुछ क्वालिटी में वीडियो नहीं बना रहे हो आप लोग, इसलिए व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं. कोशिश यही करा करो कि अगर आप क्लाउड किचन रन करते हो, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा मतलब कि अपनी प्रमोशन ही होता है एक तरीके से, वीडियोस वगैरह भी डालो, सब कुछ करो सोशल मीडिया पे, साथ में लिंक करके रखो अपने क्लाउड किचन को. बाकी मैं मम्मी के आने का वेट कर रहा हूँ, तो शाम को मैं जाऊँगा ATM से पैसे निकालने. जो मेरी YouTube की फर्स्ट इनकम आई है वो, तो मैं बताऊँगा आपको कि कितनी आई है. तो चलो मम्मी आती हैं, देन फिर जाऊँगा अगर मैं शाम को. तो अभी तो ऑर्डर आया था, तो साफ सफाई करता हूँ, देन फिर आपसे बात करता हूँ. तो इतने सारे ऑर्डर आ गए थे यार, कि मतलब कि सारा सामान ही मेरा ख़त्म ही हो गया. बताओ अभी ये देखो, ये मैं कुछ ये लेके आया था सारे बर्गर वाले, तो बर्गर भी ख़त्म हो गए, पिज़्ज़ा बेस भी ख़त्म हो गए, सब खत्म हो गए. एंड अभी ये कटिंग कर रहा हूँ मैं, ये कटिंग इसके लिए कर रहा हूँ बर्गर्स के लिए, जो बर्गर रखने के लिए होता है ना, पेपर काट रहा हूँ. क्योंकि क्या बोलते हैं, फिर बर्गर वगैरह के ऑर्डर आएंगे तो मेरे पास होगा नहीं फिर. एंड बेस भी मैंने अभी ऑर्डर कर दिया है, एंड बर्गर के बन भी मैंने अभी ऑर्डर कर दिए हैं स्विगी से ही, तो वो जल्दी आता है, 20-15 मिनट के अंदर आ जाता है, तो आने वाला होगा. देन फिर आपसे बात करता हूँ आराम से, पहले कटिंग कर दूँ, नहीं तो बिल्कुल मेरे पास है नहीं, ऑर्डर्स वगैरह आएंगे तो मैं दे नहीं पाऊँगा. क्या कि स्विगी के जो मैंने मंगाया था स्विगी से, उसमें ये तो आ गया, बर्गर जो बन थे ये बन वगैरह तो आ गए, ये बन वगैरह आ गए, बट वो जो क्या बोलते हैं बेस था ना, वो बेस आया नहीं, और उन्होंने रिफंड कर दिया पैसे. पनीर भी नहीं था, पनीर भी मैंने मंगा लिया है, तो बेस था नहीं, मेन तो बेस ही था यार मेरा. बताओ अब मेरे पास बेस का सिर्फ एक ही पैकेट बचा हुआ है, बाकी सारे ख़त्म हो गए. अब देखते हैं क्या होगा, अब मुझे ऑफ ही करना पड़ेगा, क्योंकि नियर बाय में अब इस टाइम में देख पता करना पड़ेगा मुझे कि बेस है भी कि नहीं है. एक बार वहाँ पर जाऊँगा ना शॉप में भैया के, चलो पता कर लूँगा, अगर होगा तो चलो ठीक है, फिर वहाँ से उठा लूँगा सारे. चलो देन फिर बात करता हूँ आपसे. एंड मैं उनके लिए स्पेशल पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, जो कि मेरे होम रसोई का पिज़्ज़ा है, देन टेस्ट करवाता हूँ एंड फीडबैक लेता हूँ कि कैसा फीडबैक है, और आपको भी दिखाऊंगा. ठीक है चलो फिर बना लेता हूँ पहले, देन फिर आपसे बात करता हूँ. ये पिज़्ज़ा मैं बना रहा हूँ अपनी मौसी के लिए, कि मौसी आ रखी है अभी, तो उन्होंने मेरे यहाँ से बर्गर ट्राई किया था, मैं एक बार बर्गर लेके गया था उनके लिए, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था.
तो मैंने सोचा कि इनको पिज़्ज़ा खिलाते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ है कि गर्म में ही अच्छा लगता है, अगर ये ठंडा हो जाता है तो इसका बेस थोड़ा हार्ड हो जाता है, बट मेरा जो बेस होता है वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, यही मतलब इंग्लिश ओवन का मुझे अच्छा लगता है, कि अगर ये ठंडा भी पिज़्ज़ा हो जाता है तब भी यार मतलब इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगती है। देखो मैंने ओवन के अंदर डाल दिया है, एंड देन देखते हैं फिर उनका रिव्यू लेते हैं कि उनको पिज़्ज़ा कैसा लगा, ये मेरा बिल्कुल स्पेशल पिज़्ज़ा है। ठीक है फिर बनता है, देन खिलाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बोलती है वो। मौसी को देते फटाफट से एक ऑर्डर आ गया, ओवन में डाला ही था मौसी का पिज़्ज़ा, तो उतने में दूसरा ऑर्डर आ गया, तो मैं बना नहीं पाया, अभी मौसी का रिव्यू नहीं ले पाया, तो देन ये ऑर्डर देता हूँ, देन उसके बाद बनाता हूँ, तो मौसी खा भी चुकी होगी। चलो कोई नहीं, फिर भी देखते हैं क्या बोलती है मौसी। बाकी मैं ये करता हूँ पैक वगैरह, देन उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो गाइस अभी ऑर्डर आ गया था, तो उसकी वजह से मैं रिव्यू नहीं ले पाया था मौसी का, तो फिर मैं रिव्यू लेता हूँ कि इनको कैसा लगा है। एक सेकंड रुको, तो बताओ मौसी वो पिज्जा कैसा लगा था। राहुल मैंने अभी तक ना बता दी, मैंने पिज्जा हट का खाया था, डोमिनोज का खाया था, और ओवन स्टोरी, और एक हमारे ना लोकल में चीज़ास करके क्लाउड किचन का मैंने वहाँ का खाया था, तो और भी एक आध जगह खाया है जो मुझे याद नहीं है, बट सच में राहुल इतना बढ़िया, मतलब ऐसा टेस्ट अभी तक तो मुझे नहीं लगा, माइंड ब्लोइंग था, मतलब मजा आ गया खाके। तो चलिए दूसरी दूसरी मौसी का रिव्यू लेते कि उनको कैसा लगा, आप बताएं मौसी। राहुल बहुत अच्छा है, देखो मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, तो फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं, तो मैंने भी ऑब्वियसली कई जगह का डोमिनोज का और पिज्जा हट वगैरह का, बट ये इसकी जो क्वालिटी थी ना, और ये जो बेस इतना सॉफ्ट था, और जो तुमने इसमें उनका फ्लेवर फ्रेश, अगर बोलो तो द बेस्ट पिज्जा सो फार। थैंक यू सो मच मौसी, और ये कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है मौसी को बोलने के लिए, ये बिल्कुल मतलब जो उनको लगा था वही रिव्यू उन्होंने दिया है। तो देन फिर आपसे बात करता हूँ फिर मैं, क्योंकि मुझे अभी नीचे थोड़ा काम है, तो फिर मैं आपको, क्योंकि मुझे भी थोड़ी साफ सफाई करनी, भी ऑर्डर आ गया था साथ में, तो देन फिर आपसे आराम से बात करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर आ गए और प्याज भी ख़त्म हो गया था, तो फिर ये सामने वाली आंटी से प्याज लेके आया हूँ मैं। मैंने बोला यार आंटी प्याज थे तो प्याज नहीं है आज। बर्गर भी देखो, 3 पैकेट बर्गर के मैंने मंगाए थे, एंड एक में से तो मेरे पास इतना ही पड़ा हुआ है, ये 4 पीस ये बर्गर के बचे हैं और एक पैकेट और पड़ा हुआ है, बाकी ख़त्म ही हो गए अभी दोबारा, अभी ही मंगाया था उस टाइम में जब आपको बताया था मैंने, अभी तो ज़्यादा रात भी नहीं हुई है। और यार मैं देखो ATM भी नहीं जा पाया हूँ, अब पता नहीं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, तो रात में आपको फिर बताता हूँ मैं, अगर नहीं जा पाया तो फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि भाई कितनी इनकम क्या हुई डिटेल में, बट अभी देखते हैं, हो सकता है कि मैं जाऊँ, क्योंकि काफ़ी ऑर्डर आए हैं तो मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगा। बाकी बंद मैंने कर दिया है क्योंकि मेरे पास बेस नहीं है, और बेस ऑर्डर भी नहीं हो रहा, कहीं नहीं मिला मुझे बेस, तो अभी मैंने बंद ही कर दिया है, तो मैंने साफ वगैरह ही कर दिया, तो मैं वीडियो काम करूँगा थोड़ा सा, देन उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो ही जाऊँगा फिर मैं आपको बताता हूँ। आई एम सो सॉरी आज मैं नहीं जा पाया, और काफ़ी रात हो गई, अब क्लोजिंग टाइम आ चुका है मेरा, एंड मैं मतलब कि ATM नहीं जा पाया था आज, क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्डर आए थे यार, आपने देखा था मतलब सामने ही आए थे आपके, एंड मौसी भी आई थी, तो मेरे पास बेस वगैरह भी नहीं बचा था, तो फिर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, बट ठीक है मैंने हैंडल कर दिया था सारा कुछ। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखो, या आपको एक मोबाइल दिख रहा होगा, दिख रहा है, यह है OnePlus का Nord CE 3 आई थिंक, तो ये Amazon या जहाँ पे भी आप चेक कर लेना, तो इसका जो प्राइस है ना उतनी ही मेरी YouTube की इनकम इस बार की आई है, तो हम लोग अब सर्च करना कि कितना क्या है इसका प्राइस, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, बट इतनी ही आई है, क्योंकि अभी मुझे स्टार्ट ही हुआ है करते हुए, तो अभी फ़िलहाल के लिए यही आ रखी है, एंड देखते हैं बाकी आगे क्या होता है फिर। बाकी आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है उस चीज़ के लिए, थैंक यू सो मच दिल से आप लोगों के लिए, एंड आई होप कि यार आगे भी आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, एंड किसी को भी कोई भी इशू आता है तो मुझसे पूछ सकता है यार, मैं हर किसी के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। एंड यहाँ पर इंस्टाग्राम की आईडी है, तो आप लोग आके इसको मतलब मुझे फॉलो कर सकते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल मुझसे पूछता है, मैं रिप्लाई भी करता हूँ वहाँ पे, तो आप लोग भी आइए बातचीत करते हैं वहाँ पे, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं डेली अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, एंड मुझे वीडियो भी एडिट करनी है अभी मतलब मैं काफ़ी थक भी गया हूँ आज, तो देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ओके बाय।